से पानी गिर रहा है, हम लोग को पढ़ना है इसलिए छाता लेकर बैठे। हमारे क्लास का छत टूटा हुआ है, पानी टपकता है, इसीलिए हम छाता लेके बैठ के पढ़ना पड़ता है। हम लोग को बहुत परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पर पानी गिरता है तो इधर उधर हो जाता है, हमारे किताब में भी पड़ जाते हैं कभी कभी। हम लोग का स्कूल का छत टूटा हुआ है, पानी टपक रहा है, इसीलिए हम लोग छाता पकड़ करके पढ़ रहे हैं। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 178 है। आपके पीछे जो बच्चे खड़े हैं सारे बच्चे छाता लेकर के खड़े हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ जो पांच भवन, मतलब पांच कमरा वाला जो भवन है, लगातार बारिश होने से वहाँ पानी सिंक करता है, इसलिए बच्चों को हम लोग बैठाते हैं। बैठाने के बाद उसके साथ साथ जब पानी गिरने लगता है तो बच्चे लोग खुद छाता लेकर के अंदर जाते हैं और बैठते हैं और हम लोग पढ़ाते हैं। छाता से छुटकारा कब तक मिलेगा बच्चों को? बिल्कुल, इसमें हमारा सीधे प्रयास रहेगा। कैसे क्या होगा बच्चों के छाता पे? नहीं, इनके छाता बहुत जल्द ही घर में छोड़ के आना पड़ेगा, इसके लिए पूरी प्रयास जारी है।